आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जनता को संबोधित कर रहे हैं। मैं आदरणीय चौबे जी ने बधाई देता हूँ, कृषि विभाग के अधिकारी मैं भी बधाई देता हूँ। ये मंडी में पहली बार आयोजन हो है। चौबे जी बताइए, इसके आए जाने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, नवा जगह है, मरीज पुनः पुनः आना है, अकबर है, सब वो साथी मन से क्षमा भी मांगे हैं, लेकिन नवा जगह बसाए में थोड़ा सा तकलीफ तो होते, लेकिन हमें बताना है। बनाए काम में ब्रिज मोहन जी करे हैं, अब बसाए काम में रविंद्र चौबे जी करें। बना बना छोड़ दे, खंडहर हो जाते, लेकिन अब नवा राजधानी की स्थिति भी वैसे है, बंद तो गए लेकिन राहत सुनो नहीं, अब बसाए काम लगाना अलग करना है। कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान बन जो काम करे हैं, कोई तुलना नहीं हो सकता। एक समय ऐसे जब हिंदुस्तान में अनाज की कमी रही थी और विदेश से हमें अनाज मंगाया पड़ा, लेकिन किसान मन के मेहनत ऊपर लगन अतेक है कि 3 साल भी पूरे देश में सूखा पड़ जाए तो अनाज अतेक उत्पादन करके हमारे किसान मन रख दे कि 3 साल तक आराम से खवाया जा सकता, अतेक उत्पादन कर दे। भारत सरकार के एफसीआई में रखे जगह नहीं है, गोडाउन में रखे जगह नहीं है, अतेक उत्पादन हमारे किसान भाई मन करे, एक बार मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये हुई, जब उत्पादन कम रही थे तो मंडी में समर्थन मूल्य से ऊंचे में धान बिक जा रही, अब ज्यादा हो गए तो कीमत किसान मतलब नहीं मिल पा। अभी 15 क्विंटल देखने के बाद जिन धान है 1800-1800 रुपये मिल जाओ, रकम में जाओ दस 1500। लक्ष्मण पटेल कहा थे 1500, राइस मिल वाला ने तो स्वर्ण माफी होते तो 1500 बेचा था, बचा था एक बार हम लोग सोचे लगी काम करे लगी। अभी नगरी निकाय चुनाव हुई, पंचायती राज चुनाव हुई, जितने भी सरपंच जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष उप सरपंच उपाध्यक्ष सब बहुत बहुत बधाई। और चुनाव में सब चिरागे चिरागे नहीं, अब विद्वान जी सोनी जी बैठे चुनाव सिराया था, हम बोला सुमन देना बंद कर देते थे। हम ऐसे करना है कहा कि चुनाव हो जिस समय बोला मिला पहले मिला जिस बाद में मिला जिस समय चुनाव ना सिरा गए है। देना है भारत सरकार के द्वारा कि जिन राज्य बोनस दी होकर चावल नहीं खरीदा, लेकिन चुनाव समय थोड़ा सिटी लेवल करवा ले पिछले समय उन्होंने 2500 रुपए में तुरते पेमेंट तक कर दे, अब एक साल के पिछले साल सिटी कर रहे थे यूज ऑफ सिटी कर वो कहते साल नहीं करो सिटी देख 2500 रुपए दे तो धान को चावल हम नहीं खरीदा। अब हम बहुत कोशिश करें नहीं मानी भारत सरकार, हम कहें ठीक है भाई हम लोग किसान 2500 रुपये देना अच्छे पहले 1800 दे देवो अगर वो बाप 685 बाद में दे। अभी कल से बजट सत्र है, हम पिछले सत्र में घोषणा कर रहे हैं कि हर स्थिति में किसान 2500 रुपये मिली वो योजना
एक समय विधानसभा घोषणा करी वो योजना कहा ना दी और कैसे विधान मतलब मिली, लेकिन वो राह मतलब देना है। यूं बात देखे मिले है परिहार साहब 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई, पिछले साल 80 लाख मीट्रिक टन हुए, ये समय जिस खरीदी हुए 83 लाख मीट्रिक टन हो चुके हैं, पिछले साल 2.5 लाख किसान ज्यादा धान उत्पादन करे, पिछले साल के पिछले साल से 1 लाख अधिक किसान ज्यादा धान बोले, इधर मतलब ये है कि खेती किसानी के तरफ लोगन मन के रुझान बढ़े, काबर की छत्तीसगढ़ में अब खेती किसानी है कि लाभ से सौदा हो गया, काबर की 2500 रुपये करेंगे। हमने छत्तीसगढ़ में हतोत्साहित हो रही थे, देश के किसान मन हतोत्साहित हो गए, लेकिन 2500 रुपये देने के कारण से किसान मन के आम आदमी के जिन्होंने खेती किसानी छोड़ चुके रही थे ओकर मन के रुझान बढ़े। गन्ना के खेती जिन्हें देखो बारे में हम आपका विश्वास दिलाकर पिछले समय 55 रुपये दे रहे हैं, ये साल भी वो लोग कायम रखते हुए ओकर पर अलग से अब चर्चा विधानसभा में करके गन्ना के किसान मतलब भी लाभदायक लाभ दे के काम हमारी सरकार करी। आज ऐसे अनाज उत्पादन हो गए देश और दुनिया में एक चर्चा हो गए, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में ये जैसे भी कोयला से बिजली बना थे कुकर से बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जा थे, दुनिया में एक चर्चा है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी हम लोग तरफ जाना है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रन प्रोजेक्ट है और दूसरा दिन गैर परंपरागत जो ऊर्जा है तेज तरफ हमल जाएंगे और ग्रीन एनर्जी हमल बनाना है। उसी प्रकार से आज देश और दुनिया में गाड़ी मन के संख्या मन में वृद्धि हो जाते, पेट्रोलियम पदार्थ मन के खपत बढ़ जाते, ओकर पर एक वैकल्पिक व्यवस्था बायोफ्यूल की तरफ दुनिया के निगाह पड़े और 20% तक के बाद इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा सकते ऐसे कानून बने। हमारे भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया कि हमारे यहाँ धान के खूब उत्पादन होते, हमारे जरूरत से ज्यादा उत्पादन होते, किसान मतलब धान नहीं मिल पाते पूरा, यदि एक ऐसे बायोइथेनॉल बना लिया जाए किसान मतलब धान मिली नवा फैक्ट्री खुली तो रोजगार भी मिली और भारत सरकार जो विदेशी धन लगा दे पेट्रोल खरीदे पर डीजल खरीदे पर ओकरों में बचत हुई। ये प्रस्ताव लगातार हमारा देश में कृषि मंत्री के साथ दे भी रहे और अभी भी चर्चा करा था। मैं बिजमोहन जी से सुनील जी से भी आग्रह करूं कि आप पर भी आप पर केंद्र में बैठे हो यदि ये योजना लागू हो गई न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि हिंदुस्तान के किसान खुशहाल हुए वो धान मिली। 2 किलो 2 किलो धान में 1 लीटर पेट्रोल बन जाए और यदि वो लोग पेट्रोल जैसे गन्ना वाला 58 रुपये रखे 1 लीटर वो इसी ढंग से एक लोग कीमत तय हो जाए भारत सरकार तय कर ले तो निश्चित रूप से किसान के जहां धान न केवल बरसात के बल्कि गर्मी फसल के लिए धान है जिसको वाजिब कीमत मिले समर्थन मूल्य में खरीदी हो सकता है। और इन्हें कुछ नहीं केवल परमिशन देना है फैक्ट्री थमल लगा दो, केवल हमारे यहाँ इंडियन ऑयल के टंकी मन हवे पेट्रोल मिलाना घर पर आओ तो ये केवल अनुमति घर एक है तो अनुमति दे पर भी हमारा साल भर हो गया मरना लेकिन नहीं मिल पाए। अब सुने भाई एक निवेदन हो भारत सरकार किसान सम्मान निधि देते हैं
एक एकड़ में भी देश बोनस निरंतर के राशि से 10,000 रुपया पड़ा था, पड़ा नहीं, मतलब 5 किसान 56,000 रुपये मिलते, भारत सरकार 6,000 रुपये दे। पहली किस्त 19 लाख में मिली, दूसरा किस्त 18 लाख में मिली और चौथा किस्त अभी जिनाए दिन केवल 1 लाख किसान में मिल पाए। 19 लाख किसान लोग, 18 लाख किसान लोग अभी जिन सम्मान निधि राशि से नहीं मिल पाए। अभी लोकसभा चला थे, छाया वर्ग में भी है राज्यसभा के, एवं दोनों जब रखाओ बात लाओ, जो सम्मान निधि की राशि केवल 19 लाख किसान में से केवल 1 लाख में मिले हैं, वो राशि भी हमें छत्तीसगढ़ के किसान में मिलना चाहिए। चाहे वो राशि भले 6,000 हो लेकिन मिलना ठीक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक के नहीं आए, केवल 1 लाख किसान वाले मिले, 1,04,000। ये स्थिति है। मैं किसान भाई मुझे कहना चाहता हूं कि आजकल कोरोना के बड़ा चर्चा है, कोरोना वायरस चीन में 2,000 से ज्यादा आदमी मर गए कोरोना वायरस, ताकत से भी हो रहे हैं। ओमन चमगेदरी के चमगेदरी ओमन सूट की चमगादड़ के सूट को ऐसे का स्थिति हो है, यहाँ स्थिति है कि मुर्गा खाना तक बंद कर देना संचार के बारे में। वो वायरस है चमगेदरी से हो है, मुर्गा पूरी स्थिति नहीं है, है? आज हमारे किसान में न केवल गन्ना के क्षेत्र में, फल के क्षेत्र में, सब्जी के क्षेत्र में बहुत काम करा थे और वो मतलब बढ़ावा दे के बहुत जरूरत है। हमें किसी लागत कम हो यू बात हमें ध्यान में रखना है और किसान मन पर पानी की उपलब्धता हो, किसी लागत कम हो, वो दिशा में हमारी सरकार काम करा थे। और जिन हमारा नारा है छत्तीसगढ़ के चार किनारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी केला बचाना है सनवारी, तो गौठान लगी हमें सुदृढ़ करना है। हर गांव में गौठान बनना चाहिए और चारा गांव पर जमीन भी आरक्षित हमें सब मिलकर करना है। सरपंच मन बड़े संख्या में आए तो मैं कहना चाहता हूँ पंचायत चुनाव हो गए और वो खेल भावना से लोग जो जीत गए, सरपंच नहीं जीते जगह से बदला ले काम हमला नहीं करना है, नहीं गठान पर जगह चिन्हित करना है, जिन को हम खिलाफ खड़े तेरे घर में मत चिन्हित कर जो नहीं मत कर, लेकिन हमें गठान बनाना है ताकि हमारे फसल बचाए, दूसरा फसल भी ले सके, सड़क में एक्सीडेंट होते तेरों बचे जा सके, ये दिशा हम सब मिलजुल के काम करेंगे। क्योंकि समय काफी हो चुके हैं, 3 दिन तक के मेला चलना है, पूरा प्रदेश भर के किसान आए, बहुत जन किसान वाला सम्मान करें, वो मतलब बहुत बधाई, कुछ अलग अलग क्षेत्र में सब काम करे उधर पर बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए विभाग के अधिकारी कर्मचारी और विभागीय मंत्री को बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करते हैं संचालक कृषि श्री दामन सिंह सोधवानी जी को। 3 दिन के किसान मंडल राष्ट्रीय स्तर के मेला जिसमें किसान मंडल आधुनिक और उन्नत खेती के तरीका बताए जाते हैं। देश के जितना आधुनिक मशीन है वो यहाँ दिखाया जाते हैं, साथ ही खेती के जो तरीका है जैविक पद्धति में जो हमें जावत है वोकर बारे में बताया जाते हैं। तो ये मेला किसान मंडल महत्वपूर्ण है। ये मेला में हमारे अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेला के प्रेरणा स्रोत माननीय कृषि मंत्री जी, मेला में उपस्थित मोहम्मद अकबर जी मंत्री श्री शिव देहरिया जी,
मंत्री माननीय विजया भेड़िया जी, मंत्री सांसद सुनील सोनी जी, छाया वर्मा जी, उपस्थित विधायक दल और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जीवन अपन अमूल्य समय यहाँ पर कार्यक्रम के सफल बनाए में दे हुए और बहुत दुनिया दुनिया से आए हुए किसान जो सुकमा से भी आए, बलरामपुर से भी आए, कोरिया से भी आए, वो सब किसान जो मेला सफल बनाए पर अपन योगदान दे है, सबके प्रति में आभार व्यक्त किया है। धन्यवाद। कृषि मेले के इंडोर स्टॉल और प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय और मंचस्थ के विशिष्ट अतिथिगणों को सादर आमंत्रित करते हैं। निकाल दो सर, निकाल दो, निकाल दो।